गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ठीक है। पिछले लेक्चर में मैंने आप लोग को होमरोसाइट के बारे में बता दिया था, तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है जी? पॉलिनेशन डिफाइंड एज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ठीक है, नोन एज पॉलिनेशन। और पॉलिनेशन हम लोग के एनसीईआरटी बुक में अगर देखा जाए तो कितने तरह के हैं, ऑटोगैमी, गिटनोगैमी, ज़ेनोगैमी। अब देखो क्वेश्चन कहाँ से अराइज होते हैं, इन तीनों टॉपिक से क्वेश्चन मेनली कहाँ से अराइज होते हैं कि कौन सा ऑटोगैमी, गिटनोगैमी या ज़ेनोगैमी कौन सा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है जेनेटिकली सिमिलर। ओके, ऑटोगैमी में ऑटोगैमिक पॉलिनेशन के द्वारा वैसे जेनेटिकली सिमिलर ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं या गिटनोगैमी या ज़ेनोगैमी, ठीक है, इस बात का भी ध्यान देंगे। ओके, तो देखो सबसे पहले पॉलिनेशन को डिफाइन करेंगे, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। पॉलिनेशन में कितने तरह के, ऑटोगैमी ऐसी को हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं, ऑटोगैमी ऐसी को हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। ये क्या होता है ऑटोगैमी या सेल्फ पॉलिनेशन? इफ पॉलन ग्रेन transfer from enter to the stigma of the same flower, enter to the stigma of the same flower. ओके, सेम फ्लावर इज नोन एज ऑटोगैमी, सेम फ्लावर देन कॉल्ड एज नोन एज ऑटोगैमी। ओके, सेकंड लिखेंगे हम लोग गिटनोगैमी। देखो तीनों हम बताने के बाद आप लोगों को एक्सप्लेन कर देंगे कि डिफरेंसेस क्या है, सिमिलैरिटीज क्या है तीनों में। ओके, इसमें क्या है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, एंथर टू स्टिग्मा, ओके, एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द same plant but another flower, ठीक है। देखो ऑटोगैमी क्या था कि सेम प्लांट तो था बट सेम फ्लावर, वो फ्लावर कौन सा, बाइसेक्सुअल होगा, ठीक है, बाइसेक्सुअल होगा जिसपे मेल एंड फीमेल गैमेट दोनों प्रेजेंट होंगे, सेम फ्लावर में उसमें था। इसमें गिटनोगैमी में क्या होता है,
कि प्लांट वही सेम रहेगा बट उस पर अदर अदर फ्लावर थे, ओके, यूनिसेक्सुअल फ्लावर होंगे, ठीक है, तो उस पर पॉलन ग्रेन रिलीज होकर जाकर दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे बैठेगा, तो जीनोगैमी। अब उस जीनोगैमी की अगर बात करें तो जीनोगैमी में प्लांट डिफरेंट होते हैं, समझ में आई बात, उसमें क्या है फ्लावर सेम है, इसमें सेम प्लांट बट डिफरेंट फ्लावर, और जीनोगैमी में प्लांट ही डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट प्लांट पे। तो इस तरह का जीनोगैमी को हम लोग एक तरह से क्रॉस पॉलिनेशन भी कह सकते हैं, ठीक है, जीनोगैमी को क्रॉस पॉलिनेशन भी कह सकते हैं, जीनोगैमी, ठीक है। जीनोगैमी क्या है, ठीक है, तो अगर हम जीनोगैमी को जेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो जीनोगैमी आल्सो टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है, ऑटोगैमी भी क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है, अगर जीनोगैमी को जेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये भी क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन है। जीनोगैमी को अगर जेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो क्रॉस पॉलिनेशन है, समझ में, तो जीनोगैमी में आप लिखेंगे तो फ्रॉम द जेनेटिकल पॉइंट, जेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू जीनोगैमी इज अ सेल्फ पॉलिनेशन। आप लोग इसका रीजन बताएंगे कि कैसे, ठीक है, मैं बता दूं, नहीं तुम लोग सोच के बताना, ठीक है, कमेंट करना, कल मैं इसको बताऊंगा कैसे, ठीक है, समझ सकते हो आराम से, सेम फ्लावर है, अरे प्लांट सेम है, ठीक है, डिफरेंट फ्लावर है, ओके, तो समझ जाए इसे, बता देना। बात करते हैं हम लोग जीनोगैमी की, थोड़ा सा सोचोगे समझ में आ जाएगा, क्योंकि रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म पढ़ ही चुके हो, ठीक है। जीनोगैमी, जीनोगैमी क्या है भाई, व्हेन द पॉलिनेशन टेक्स बिटवीन टू डिफरेंट प्लांट, द पॉलिनेशन टेक्स बिटवीन टू डिफरेंट प्लांट, जीनोगैमी में जो ऑप्शन फॉर्म होंगे वो जेनेटिकली डिफर करेंगे, ठीक है, समझ में आई बात ना, वो जेनेटिकली डिफरेंट होंगे क्योंकि स्पीशीज चेंज हो जा रही है ना, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट हो रहे हैं, तो वो जेनेटिकली सिमिलर नहीं हो सकते हैं। डिफरेंट प्लांट ऑफ टू डिफरेंट फ्लावर, ऑफ टू मैंने बता दिया पहले भी, इसको क्रॉस पॉलिनेशन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन भी कहते हैं, और इसमें जो ऑप्शन फॉर्म होगा जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं होगी, तो पेरेंट्स ये क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आपका पॉलिनेशन खत्म होगा और इससे जो भी डाउट होंगे आप लोग पूछेंगे और मुझे इसका जवाब देंगे, जीनोगैमी और जीनोगैमी का रीजन, ठीक है, सभी लोग बताएंगे, कल मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा कि क्या रीजन है इसके पीछे, ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।